分离主的人，गारंटी देता हूँ रात को कोई भी इन्वेस्टिगेट नहीं करता इस जगह पर, क्योंकि इन जगहों पे का बगैर ही 10,000 सैनिकों को मार दिया गया है और हमने लास्ट वीडियो में देखा है वो ये लेकिन बहुत ही शांत स्ट्रीट था जिसका मैंने फेस कर लिया। गाइस अभी हम आपको और भी आगे दिखा रहे हैं, वहाँ पे किल ठीक है देखा नहीं हाँ दोस्तों ये एक शुरुआत है, अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी आपको आगे दिखाता हूँ मैं। तो ये पूरा जंगल दिखाई दे रहा है, कैसा रास्ता है उस तरफ खाई इस तरफ बिल्कुल और कहीं कोई रास्ता नहीं है, एक पगडंडी है जिसको हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने दिन में इन्वेस्टिगेट कर लिया था थोड़ा सा 5 बजे के आसपास, क्योंकि आपने हमारे वीडियो में देखा है, तो बस उसी रास्ते को पकड़ते हुए हम लोग चले जा रहे हैं। नहीं तो ये तो भूल भुलैया है, कोई आ जाएगा तो दिन में भटक जाएगा, रात की तो बात ही अलग है। दोस्तों दिन में बिना गाइड के लोग यहाँ भटक जाते हैं। गाइस हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को जो नए हैं जो देख रहे हैं इस वक्त प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम अपने लिए तो ठीक है, आपके लिए भी ये हम रिस्क उठाते हैं और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगहों पे जाते हैं और जिस जगह पे अगर कोई भी वीडियो मिस हो गया तो आपको लगेगा कि ऐसा एडवेंचर हम फील नहीं कर पाए। कहा था दोस्तों कि ये रात का मंजर बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम इस वक्त हमारे पास लाइट है इसलिए तो ना अंधेरा यहाँ का बहुत खौफनाक है। वो ऐसे ऐसे जानवरों की आवाज़ भी लिखती है ये जंगल पे जा रहे हैं जिसने आज तक वो हिम्मत नहीं किया रात को,
500 साल पुरानी ये कहानी है, जिस जमाने में, देखिए एक दरवाज़ा, एक दरवाज़ा ये हुआ करता था, आगे आके दिखा नहीं पा रहे यहाँ पर। यहाँ से सीढ़ी है जो नीचे घाट तक जाती है, जब रानियाँ वहाँ स्नान करने जाती होंगी तब की ये जगह है, सीढ़ी है। शरीफ इंसान का, वो जो राजा थे उनका ये घर हुआ करता था और उनकी फैमिली यहाँ रहती थी और 10,000 सैनिक रहते थे, जबकि एक झटके में, एक हमले में सबको मार दिया गया, तब से ये ठंडा रह गया। जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये 500 साल पुराना है, आज की बात नहीं है, ये 500 साल पुराना जगह है, पुराना जगह, पुराना जगह। चलिए कुछ भी करिए तो आ जाए। Thank you.
इस जगह से इस गुफा के अंदर हवाएं जाती है या सांस नहीं जाती कुछ जमा नहीं आपको दिखा पाएंगे। रात को इस जगह पे आज तक कोई भी यूट्यूबर आया नहीं है और भले हम लोगों का एकदम देख के शायद वो आने को नहीं मिले है तो बहुत ज्यादा नहीं है। हम दूर जाए जगह जगह से पानी चल रहा है।
साइड से लोग कहते थे तो कहते बहुत फॉन्ड करते हैं, जगह बहुत डरावनी है, कोई जा नहीं सकता है। और आते समय भी लोगों ने कहा कि मत जाइए मत जाइए, जी मना कर रहे थे। और कोई भी नया व्यक्ति आएगा तो लोग कहेंगे कि आप मत जाइए, तो हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करेंगे। टाइम भी किया है
जाए उधर खाई है फिर कि ऊपर से देख रहे थे। ऊपर देखिए कुछ सिंगल है, हम कर लेंगे इसको। जबरदस्ती का किसी चीज़ को क्रिएट करना एक अलग बात है, और नेचुरल दिखाना ये एक अलग बात है, बहुत ही अलग बात है। इतनी बड़ी जंगल, इतना गुफा, और शेरगढ़ का किला जो कि बहुत ही ज़्यादा बदनाम है, इसके बावजूद भी हम लोग कुछ अपने से क्रिएट नहीं करते। चाहते तो हम थोड़े से शॉर्ट में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। जो रियल है तो वो रियल ही रहेगा। तो फैक्ट, जितने भी फैक्ट्स हैं वो साथ सब के सब आपके सामने हैं, बस एडी हॉन्टेड टीवी के साथ जुड़े हैं। सामने दीवार देख के आप बोले थे ना कि सामने दीवार है, वही चलना है। तो यह दीवार ऐसा है कि आदमी सोचे कि रास्ता है ही नहीं है, पर रास्ता है। जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं इस वक्त, इस जगह के नीचे अंडरग्राउंड में पूरा महल है, वो रास्ता हमें मिला नहीं, अभी भी नहीं मिला। बेसिकली दोस्तों ये 10,000 सैनिक इसके अंदर रहते थे, 10,000 सैनिक, 10,000 बहुत होते हैं, तो वो हमें मिला नहीं।
ना बस के आना पड़ेगा। कभी नीचे नीचे दिखाती है कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ये जगह है कि यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। इतना ज़्यादा खौफनाक एरिया जहाँ पे भालू पाए जाते हैं, यहाँ का कोई रास्ता समझ में नहीं आता, जो 500 साल से बंजर पड़ गया है। अरे यहाँ के नीचे के लोग नहीं ऊपर आते डर के मारे। जी रात को शाम के वक्त 5 बजे के बाद तो सब भाग रहे थे, जो लकड़ी काट के जा रहे थे तो भाग रहे थे 5 बजे। तो मतलब क्या है ये, देखिए क्या है, आइए। तो गाइस हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ हिम्मत आप लोगों की वजह से आती है। आप लोग देखते हैं, आप लोग महसूस कर पाते हैं कि ये कैसी जगह पे 800 टीवी के लोग जा रहे हैं, अमित लाल जी जा रहे हैं। तो जब आप महसूस करते हैं किसी चीज़ को तो हमें अच्छा लगता है, आप देखते हैं चैनल को तो बहुत अच्छा लगता है। शेरगढ़ किला, रोहतास और गड़गरी और इस टाइप के बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर मान्यता है कि रात को मत जाइए। और मेरा हमेशा से यही ख्वाहिश रहा कि मैं रात को ही जाऊँगा। फिलहाल डर सबको लगता है लेकिन डर के आगे कुछ और भी सोचा जा सकता है। खैर फिलहाल अभी हम यहीं पर क्लोज करेंगे, आगे का कुछ शॉट अगर मिला तो मैं आपको दिखा दूंगा। और भाइयों जो अभी तक इस चैनल को देख रहे जो नए लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाद आप बेल आइकन को ज़रूर दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर उसको आप नहीं दबाते, ऑल के बटन को पुश करके नहीं रखते तो कोई भी वीडियो हम अगर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, आप देख नहीं पाएंगे। तो हम और हमारी टीम जो 800 टीवी का टीम है, अमित और लाल जी, हम दोनों लोग आपसे फिलहाल अभी इस वक्त आगे चाहते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाप रे बाप, इतना शेरगढ़ किला। रास्ता तो, अरे यार अच्छा इसमें थोड़ा आराम से पैर बचा के एकदम। इसमें थोड़ा पेट्रोल और डाल देते हैं, नहीं क्योंकि बहुत धीमा चल रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ ये थोड़ा सा बहुत घना है, रुकिएगा। चलिए ये हमारे हाथ में टॉर्च नहीं है ना, सुनिए
बहुत घना जंगल है। सुनिए इधर देखिए, बहुत घना जंगल है। मैं कह रहा चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और जला लीजिए उसको, वहां तक चलता रहे, ठीक है? लाइट भी तो है, बस में बहुत समारे यार। अरे यार मेरा उठना सला, ये पूरा सीढ़ी है। सुनिए सुनिए बूत रहा है, एक काम करिए ना, उसको जला लीजिए, बात मानिए। रुकिए